वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि आप जो पीजी की एडमिशन्स हैं जो नेक्स्ट ईयर यानी 2019 जो कि आने वाला है बस अब, उस एडमिशन्स के बारे में। क्योंकि अब जैसे कि आपका फिफ्थ सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, उसके एग्ज़ाम्स भी हो गए, अब आप सिक्स सेमेस्टर में जाओगे, सिक्स सेमेस्टर में सभी को एडमिशन भी मिल जाएगी और सिक्स सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो मिड अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा कि आपकी जो कॉलेज लाइफ है वो एक साइड से ऑलमोस्ट दी एंड पे है, यानी कि आपकी कॉलेज लाइफ अब ख़त्म है। हार्डली 2-3 मंथ्स की कॉलेज लाइफ रहेगी, मोस्ट पार्ट वो खत्म हो गया। एक तरफ किसी चीज़ का अंत हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ किसी चीज़ की बिगनिंग होने वाली है, वो चीज़ है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन। जिन लोगों ने आपको एडमिशन देनी है जाने की जो यूनिवर्सिटीज है, उन लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है आज से ही कि कैसे एंट्रेंस लेना है, जो भी उनके प्रॉस्पेक्ट बनते हैं, जो भी कुछ होता है उसके रिलेटेड उन्होंने काम स्टार्ट कर दी। बट जिन लोगों ने एडमिशन लेनी है जैसे आप लोग, लेकिन आपकी तैयारी आज से शुरू नहीं हुई है, बड़े सारे बच्चे इसी ख्वाब में बैठे हुए हैं कि पीजी तो करेंगे लेकिन पहले सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे लें और फिर पीजी करने जाएंगे। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद हम पीजी की तैयारी करेंगे, एंट्रेंस की फिर जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उस वक्त आपको टाइम नहीं मिलेगा। बड़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एंट्रेंस के एग्ज़ाम आपके सिक्स सेमेस्टर के बिटवीन ही हो जाने हैं। अब देखो, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसका एग्ज़ाम तो अप्रैल एंडिंग में हो जाना है, आपके सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बीच ही उनका भी एग्ज़ाम हो जाता है एंट्रेंस, तो फिर उसकी तैयारी कब करोगे? तो इसलिए आपके पास सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि हमने कोर्स करना कौन सा है, पीजी, और उस जो पीजी कोर्स जिस यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, जब क्या रूल होंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा एडमिशन का। जब तक ये चीज़ों को समझते रहोगे, समझने में लग जाओगे, तब तक पीछे वो एंट्रेंस भी हो जाएगा। बड़े सारे बच्चे ही हैं उनको तो ये पता ही नहीं चलता कि इस यूनिवर्सिटी में भी पीजी होती है, या इस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कब होता है, या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलती है। आप एक ही यूनिवर्सिटी के ऊपर नज़र लगा के बैठे रहते हो कि हाँ मैं जम्मू में रह रहा हूँ और जम्मू यूनिवर्सिटी, बट आप शायद भूल जाते हो कि जम्मू रीजन के अंदर भी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे पीजी होती है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए ये आ जाएगा कि आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है और वो भी यहाँ से। देखो, अभी फिफ्थ सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अभी विंटर वेकेशंस आ गई, कॉलेज ओपन होते होते 15, 16, 17 जनवरी तक ओपन होंगे, फिर कौन सा जाते ही आपकी क्लासेस लग जाएंगी, फिर बीच हॉलीडेज आ जाएंगी, रिपब्लिक डे और वगैरह जो भी है। तो जनवरी में तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 दिन भी कोई वर्किंग डेज होगा आपके कॉलेज की पढ़ाई का, तो जनवरी तो ऑलमोस्ट आपकी टोटल फ्री है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप देखोगे सिक्स सेमेस्टर को। जब आपको एक महीना फ्री का मिला है तो अगर इसको मौज मस्ती में आपने निकाल दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाके। मुझे ये भी पता है कि आपने जो सिक्स सेमेस्टर की पढ़ाई करनी होती है वो सभी लास्ट मंथ में जाके ही करते हैं, फर्स्ट मंथ से कोई नहीं पढ़ता। जब डेट शीट आ जाती है, जब आपको लगता है कि अब एक महीना रह गया तो आप फिर पढ़ना शुरू करते हो, पहले सभी मौज मस्ती करते हैं। लेकिन मौज मस्ती जो आपने करनी थी वो कर ली, 2.5 साल आपने कॉलेज में बहुत मौज मस्ती कर ली, लेकिन अगर नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहते हो, पीजी करना चाहते हो, इंडिया में हार्डली 3-4% लोग ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाते हैं। अगर आपको इन 3-4% लोगों में जाना है तो उसके लिए अगर इस मंथ मौज मस्ती कर ली तो फिर नहीं जा पाओगे। बहुत हार्डली बच्चे होते हैं वो
जो कि आपको होगी कि 6 सेमेस्टर के बाद तैयारी करनी शुरू हो करेंगे जहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में ये भी डाउट होता है कि हमारे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स इतने हैं ही नहीं, हमें तो एडमिशन मिलने वाली नहीं, हम क्यों तैयारी करें। बट ऐसा भी नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ एंट्रेंस के मार्क्स के ऊपर ही आपको एडमिशन देती हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं देखती, चाहे आपके 40% हैं चाहे आपके 50%। लेकिन मेरे आइडिया से देखो कि अगर तो आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो दी बेस्ट है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आगे पढ़ने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आपने आईएएस करनी है तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, केएस करनी है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, रेलवे में जाना है, बैंक में जाना है, जहाँ और किसी भी जॉब में जाना है तो ग्रेजुएशन ही मांगते हैं, ग्रेजुएशन से अपर तो मांगते नहीं। बट इस फ्यू, जैसे अगर हायर एजुकेशन में जाना है, जब किसी ने प्रोफेसर बनना है, जब कुछ चंद ही पोस्टें होती हैं जहाँ पे आपकी पीजी डिग्री मांगी जाती है, वरना ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 95% जॉब्स में ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है। तो इससे अच्छा कि आप घर बैठ के अब जॉब की तैयारी करो। लेकिन फिर भी अगर आपको चांस मिलता है पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने का, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन कितनी होती है? 2 साल, 2 साल की भी नहीं होती, हार्डली 19-20 मंथ्स की होती है, 20 महीनों की ही होती है। आप देखोगे अभी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो स्टार्ट होगी वो कहीं अगस्त में जाके स्टार्ट होगी, लेकिन जब आप 4 सेमेस्टर में चले जाओगे पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो एग्ज़ाम मई में हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो अगस्त टू मई, इन 2 सालों के बीच हार्डली 20 मंथ होंगे। तो अगर आपको चांस मिलता है तो करनी चाहिए। चलो आपका एक स्टेटस होगा। पहला ज़माना होता था कि जिसके पास जितनी ज़्यादा डिग्रीज होंगी उसको ज़्यादा आसानी होती थी जॉब लेने की, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब हर एक चीज़ एंट्रेंस पे चली गई है, ये कोई नहीं देखता कितनी डिग्री है या नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस में जो स्कोर करेगा वही जॉब लेगा। बट फिर भी अगर आपको चांस मिलता तो मैं कहता हूँ करो पोस्ट ग्रेजुएशन। 1-2 साल कोई वक्त नहीं है, बट आपका थोड़ा स्टेटस बनेगा कि आप मास्टर्स डिग्री की हुई है। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन अब करना चाहते हो तो कैसे करनी है, कैसे उसमें एनरोल होना है और कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे, बाकी डिटेल में मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी स्पेशली जम्मू रीजन्स के अंदर, ऐसे तो J&K के अंदर कश्मीर रीजन भी आ जाएगा, अब तो लद्दाख यूनिवर्सिटी भी आ गई है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे कि अगर जम्मू के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आने वाली हैं आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन करवाएंगी। तो एक जम्मू यूनिवर्सिटी आ गई, एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी है जो कि जम्मू में ही है, नई यूनिवर्सिटी है, 2 साल हो गए हैं इसको। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है जो सेंटर की तरफ से होती है, वो आई थिंक ये कहीं विजयपुर वाली साइड में है। एक श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है जो कटरा में है। एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है जो राजौरी में है। उसके अलावा गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज परेड, ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है और इस कॉलेज में भी पीजी होती है, और ये कॉलेज भी अपनी तौर से एडमिशन्स करता है एंट्रेंस के बेस पे। इसके अलावा आपके पास अदर ऑप्शन देखे जाओ जम्मू रीजन के अंदर, तो एक इग्नू आ जाती है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन आ जाती है। इसके अलावा अगर आप बीएड करना चाहते हो तो बीएड, गवर्नमेंट बीएड करना चाहते हो तो उसका भी एंट्रेंस होता है, जो जो कि JKBOP लेता है इसका एंट्रेंस, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। प्राइवेट कॉलेज की तो अलग होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज है, एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैनाल रोड में, तो उसकी बीएड की जो एडमिशन है वो भी एंट्रेंस के बेस पे होती है और JKBOP लेता है। अब हम थोड़ा थोड़ा इन यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कोर्सेज कौन से होते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में। इन यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है जिसमें MA आ जाती है, MA सभी सब्जेक्ट की आ जाती है, और MSc जो है वो सभी सब्जेक्ट की, इसके अलावा MBA, MCA और अदर्स। लेकिन जो MBA होती है, MBA का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो CAT और MAT के अकॉर्डिंगली होता है। ये यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस नहीं लेते, इस CAT MAT का एंट्रेंस होता है हर साल, उसी के रैंक के अकॉर्डिंगली MBA में एडमिशन मिलती है। बाकी सभी कोर्सेज का अपनी यूनिवर्सिटी खुद एंट्रेंस लेती है। कुछ हॉनर्स कोर्स होते हैं जैसे 3-year, 5-year, MA इकोनॉमिक्स में एक हॉनर्स कोर्स है, MA इंग्लिश हॉनर्स है। इसके अलावा कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं,
जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी में होते हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज 3 इयर्स के, 5 इयर्स के, कुछ की एडमिशन 12th के बाद होती है, कुछ की ग्रेजुएशन के बाद होती है, कुछ की एडमिशन पीजी के बाद होती है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ऐसे कोर्सेज हैं, इंटीग्रेटेड बी एड एमएड के कोर्सेज भी हैं, इसके अलावा बी एड भी है जो मैंने अभी बताया था कि गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू अगर बी एड करना चाहते। अब बात आ जाती है एलिजिबिलिटी। कोई भी पीजी एडमिशन तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आपकी ग्रेजुएशन पूरी पास नहीं होती। पूरी पास का मतलब हर एक सेमिस्टर में हर एक पेपर पास होना चाहिए, कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में। तब तक आपको पीजी में एडमिशन नहीं मिलेगी जब तक आपकी ग्रेजुएशन पूरी पास नहीं होती। अगर बाहर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको ये बोलती है कि आपका कोई एक पेपर फेल है, आ जाओ हम एडमिशन दे देंगे, तो वो यूनिवर्सिटी फेक होगी। उस यूनिवर्सिटी की ली हुई पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री टोटल इनवैलिड होगी और टोटल फेक होगी। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखना, जब तक पूरी ग्रेजुएशन नहीं पास होती। क्यों? कि ग्रेजुएशन में जो सभी सेमेस्टर के मार्क्स हैं वो लास्ट सेमेस्टर में आके टोटल होते हैं। आपके सेमेस्टर 1 to 6 के सभी मार्क्स टोटल होंगे, उन टोटल के बाद जो आपकी परसेंटेज और जो मार्क्स बनेंगे वो ही ग्रेजुएशन के मार्क्स कहलाएंगे। और ये एडमिशन्स जो होती हैं ये मेरिट के ऊपर होती हैं, ग्रेजुएशन के मेरिट पे या एंट्रेंस के मेरिट्स पे। तो जब ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुई तो फिर मेरिट क्या बनेगा आपका, ये तो आप खुद ही सोच सकते हो। जब मेरिट ही नहीं बनना तो एडमिशन क्या होनी। तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा के रखना कि पूरी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। अगर कोई बाहर जे एंड के में, तो ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो जे किसी फेल पेपर के ऊपर भी एडमिशन दे रही है, लेकिन अगर बाहर भी कहीं भी मिल रही है तो वो टोटली इनवैलिड होगी आपकी डिग्री जे एंड के में, क्योंकि टाइम मैटर करेगा। आप आजकल देखते हो जितने भी आपके जो जॉब्स के फॉर्म फिल होते हैं वहाँ पर लिखा जाता, ये भी एक ऑप्शन आता है कि ग्रेजुएशन किस डेट को कम्प्लीट हुई थी। आपकी ग्रेजुएशन अगर अपनी पास होती दिसंबर में पास होती है तो वहाँ पे डेट दिसंबर की आएगी, और आप पोस्ट ग्रेजुएशन की एडमिशन जुलाई में ले रहे हो तो वो सामने वहाँ पे दिख जाएगा कि जुलाई में आपने एडमिशन कैसे ले ली जब कभी ग्रेजुएशन ही दिसंबर में पास हो रही है। तो टोटल इनवैलिड हो जाओगे, तो वो कोई फायदा नहीं। हाँ, एंट्रेंस देना है आपने, एंट्रेंस आप दे सकते हो। एंट्रेंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन पूरी पास हो जाना हो, क्योंकि एंट्रेंस तो बड़ी जगह, एंट्रेंस तो आपका जो 6 सेमेस्टर के इन बिटवीन ही हो जाना है सभी यूनिवर्सिटीज का। तो वहाँ पे कभी पूछा नहीं जाएगा कि आपका पेपर पास है या फेल है, एंट्रेंस में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एंट्रेंस के बाद जब मेरिट लिस्ट बनती है, जब एडमिशन फॉर्म फिल होते हैं, तब आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स लिए जाते हैं। तो एंट्रेंस में हमेशा यही आप लिखोगे कि अपीयरिंग, वहाँ पे ऑप्शन आएगा अपीयरिंग का, आप अपीयरिंग ही सिलेक्ट करोगे। लेकिन इतना मैं कह देता हूँ कि पहले एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस के रिजल्ट निकलने के बाद एडमिशन फॉर्म फिल होते हैं, वो एडमिशन फॉर्म जुलाई में फिल होते हैं। तो आपकी जो एंट्रेंस होगा वो जून में होगा, तो जुलाई तक आपकी ग्रेजुएशन पास हो जानी चाहिए सभी सेमेस्टर्स में। उससे पहले अगर अगर एंट्रेंस के टाइम तक कोई पेपर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एंट्रेंस दे सकते हो। लेकिन जब एडमिशन लेने जाओगे तब आपको सभी सेमेस्टर की पास मार्कशीट वहाँ दिखानी पड़ेंगी, तब भी एडमिशन मिलेगी। अगर बड़े सारे बच्चों का एंट्रेंस पास हो जाता है, बड़े सारे नंबर आ जाते हैं, लिस्ट में नाम आ जाता है, लेकिन बाद में ग्रेजुएशन नहीं पास हुई होती है, तो उनको नहीं मिलती एडमिशन। सिंपल चीज़ है। अ मोड ऑफ एडमिशन, कुछ यूनिवर्सिटी जो है एंट्रेंस प्लस ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर दोनों को ऐड करके देती हैं, मेरिट बनाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ एंट्रेंस के ही ऊपर एडमिशन्स देती हैं। अब बात करते हैं हम पहले जम्मू यूनिवर्सिटी। जम्मू यूनिवर्सिटी में एक एंट्रेंस होता है पीजी का, जिसको हम बोलते हैं JUET, यानी जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इस एंट्रेंस टेस्ट की जो एडमिशन होती है इसमें वेटेज होती है। वेटेज एंट्रेंस की जो है वो 25% वेटेज होती है, और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होते हैं उसकी 75% वेटेज होती है। इसको वेटेज को एक्चुअली आपके जो मार्क्स हैं इसको एक वेटेज, एक नंबर, एक पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। अगर सपोज करो कि 100 पॉइंट्स हैं तो 100 में से 25 पॉइंट्स आपके एंट्रेंस के होंगे, 75 पॉइंट्स जो आपके वो ग्रेजुएशन के होंगे। और ग्रेजुएशन में भी ऐसा किया जाता है कि अगर आपने फिजिक्स में एडमिशन लेनी है
तो पहले ग्रेजुएशन के मार्क्स प्लस फिजिक्स के मार्क्स ऑल सिक्स सेमेस्टर में आए हैं, वो एक्स्ट्रा से ऐड होते हैं। ये सारा वेटेज प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप समझने की कोशिश भी नहीं करना क्योंकि अभी तो आपने एंट्रेंस दे, ठीक है। तो अगर इसको समझाने लग पड़े तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, अभी आपने एंट्रेंस देना, आप एंट्रेंस के बारे में सोचो, अभी आप मेरिट लिस्ट के बारे में ना सोचो, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुई। जिस दिन ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी फिर आप सोचना मेरिट के बारे में, ठीक है। कोर्सेज कौन कौन से आ जाते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सभी पीजी कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे सभी ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर तो सभी की मिलेगी आपको। कुछ पीजी डिप्लोमास भी होते हैं, जैसे पीजी डीबीएम हो गया, या पीजी डीसीए हो गया, या फाइनेंस के हो गए, और कुछ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जो मैं हॉनर्स की बात कर रहा था, तो इसमें बी कॉम हॉनर्स होता है, बीबीए होटल मैनेजमेंट होती है, या ला बी एल एल बी होती है, 5 ईयर्स की कुछ ऑनर्स कोर्स भी आते हैं, ठीक है। इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन पेपर आते हैं, एक ट्वेल्थ बेस, एक ग्रेजुएशन बेस। ऑनर्स जो कोर्स होते हैं, कुछ ट्वेल्थ बेस कोर्सेस होते हैं, जैसे एल एल बी फाइव ईयर्स जो होती है, वो ट्वेल्थ क्लास के बाद ही आप ले सकते हो। तो उसमें जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का पेपर आएगा, लेकिन आप पीजी करने जा रहे हो तो आपका स्टैंडर्ड पीजी का ही रहेगा, ठीक है। 150 ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इसमें 4 पार्ट होंगे, पेपर जो होगा वो कॉमन होगा सभी के लिए, कोर्स जो करना जो नहीं करना वो बाद में सिलेक्ट होगा। इस वक्त आपको सिर्फ एंट्रेंस देना है यूनिवर्सिटी का, आपने उर्दू करना चाहते हो, पंजाबी, डोगरी, इंग्लिश, जो मर्जी करना चाहते हो, वो एडमिशन फॉर्म में आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। लेकिन इस टाइम आपको सिर्फ एंट्रेंस देना है, एंट्रेंस सबके लिए कॉमन होगा, एंट्रेंस में कहीं पे ये नहीं लिखा जाएगा कि मैंने एमए फिजिक्स करनी है या ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एंट्रेंस देना है आपको, और एंट्रेंस का स्कोर लेना है, स्कोर कार्ड लगेगा जब एडमिशन फॉर्म फिल होगा। इसमें 4 पार्ट्स होंगे, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 150 हो गया। बस इतना ही सिलेबस देता है एंट्रेंस, इसके एलेबोरेट नहीं किया होता कहीं पे भी। अब रीजनिंग में क्या आएगा वो आपको भी पता होता है, 10-15 पार्ट होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10-15 पार्ट होते हैं, लेकिन सिलेबस को कहीं एलेबोरेट नहीं किया जाता। लेकिन मैं आपको बता दूंगा बाद में कि क्या क्या आता है सिलेबस में, लेकिन आपको आपके लिए यही क्वेश्चन आज की टिल डेट में, पिछले 7-8 साल से एंट्रेंस हो रहा है तो यही कुछ आ रहा है। आगे शायद न्यू कुछ चेंज होगी तो वो मैं बता दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ में चेंज आने वाली है, अगर आई तो बता देंगे, ठीक है। तो आपका ये सिलेबस है। अब आप चाहते हो कि बुक, मैं कोई नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि आप ये वाली बुक लो या ये वाली बुक लो, सभी बुक एक जैसी होती है। जरूरी नहीं है कि बुक के बाद JUET लिखा जाएगा तो वही बुक होगी, ठीक है। बुक क्योंकि ये चीज़ें अगर आप किसी जॉब के लिए जाओगे ना, जॉब में भी यही चीज़ें होती हैं, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, रीजनिंग, इसके लिए कोई स्पेशल कोई बनाई थोड़ी जाएगी कि इस कोर्स के लिए ये बुक। वो तो होता है कि शॉपकीपर्स या पीछे पब्लिशर्स होते हैं, अपना पैसा कमाने के लिए बाहर लिख देते हैं ये JUET की, ये CUET की, ये बट अंदर तो एक जैसा है। अब ये चीज़ तो भी है नहीं कि बुक में जो क्वेश्चन लिखा जाएगा सेम वही एंट्रेंस में आएगा, ऐसा भी नहीं होता। बुक तो होती है सिर्फ आपको एक तरीका बताने के लिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको इस ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बुक आप जो मर्जी ले लो इस तरह के अकॉर्डिंगली, चाहे वो बैंक की ले लो बुक, नॉर्मल कॉमन एंट्रेंस की कोई बुक ले लो, आपको बस तैयारी करनी है कि तरीका समझना है ये क्वेश्चन कैसे निकलता है। बाकी क्वेश्चन तो अपने से आएगा, आपको अपना बस वहाँ पे लॉजिक लगाना है। मैं भी आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा, मैं भी आपको सिलेबस दे दूंगा टाइम के साथ साथ, बट बुक कोई भी ले लो, स्पेशल नहीं है कि इसी नाम की ही बुक लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल इसी तरह से आपका एंट्रेंस आने वाला। इसके जो वो कहते हो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो अप्रैल या मई में स्टार्ट हो जाएंगे फिल होना। एंट्रेंस जो होता है मिड जून में होगा, हार्डली सेकेंड या थर्ड संडे ऑफ जून जो एंट्रेंस हो जाएगा। एडमिशन फॉर्म एंट्रेंस के बाद जो है आपका रिजल्ट निकलेगा एंट्रेंस का,
उस रिजल्ट निकलने के बाद फिर आपके एडमिशन फॉर्म फिल होंगे। एडमिशन फॉर्म में फिर आपको अपनी पूरी ग्रेजुएशन के मार्क्स फिल करने हैं, आपको अपनी चॉइसेस बतानी है वहाँ पे कि कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, फिर वो एडमिशन फॉर्म फिल होंगे, फिर एडमिशन की लिस्ट निकलेंगी जिसमें आपके एंट्रेंस के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स को ऐड करके जो मेरिट बनाया गया मेरिट के अकॉर्डिंग लिस्ट निकलेगी, वो अगस्त में होगा एडमिशन प्रोसेस और क्लासेस भी अगस्त में लग जाएंगी। ये था जम्मू यूनिवर्सिटी का। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आ जाती है जो जम्मू में ही है, साइंस कॉलेज में है, इसके अंदर 5 कॉलेजेस आते हैं। इसका एडमिशन प्रोसेस जो है वो एंट्रेंस टेस्ट की 30% वेटेज लेते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में 25% थी, यहाँ पे 30% है। ग्रेजुएशन की जो है वो 70% वेटेज लेते हैं। इसमें कुछ कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज नहीं हैं, जैसे 2 ईयर कोर्सेज हैं, म्यूज़िक है, मैथ है, जॉलोजी है, इंग्लिश है, म्यूज़िक टेक्सटाइल है, ठीक है, फूड एंड साइंस है, एम कॉम है, एम एड है, ठीक है। कुछ 3 ईयर के हॉनर्स कोर्सेज हैं जिसमें केमिस्ट्री आ जाती है या फिजिक्स आ जाती है, ये हॉनर्स कोर्सेज आफ्टर 12th होते हैं। कुछ 5 ईयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, ये भी आफ्टर 12th होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक 3 ईयर्स की इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड है जो कि पीजी के बाद होती है, ग्रेजुएशन के बाद नहीं होती है, ठीक है। सेम ये कुछ फ्यू कोर्सेज हैं, ठीक है। इसके बाद इसका एंट्रेंस और जम्मू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एक जैसा है, ये यूनिवर्सिटी अलग से एंट्रेंस लेगी, सिलेबस वही है। इसमें भी 150 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का टाइम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, सेम वही इंग्लिश 40 मार्क्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, एनेमिक कैपेबिलिटी। आज तक की डेट में तो इसका सिलेबस यही है, आगे कभी कुछ चेंज हुआ तो हो जाएगा बट नहीं होने वाला, ठीक है। इसमें भी वही न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो 10th स्टैंडर्ड्स की आएगी, पीजी कोर्स अगर आप पीजी लेवल के लिए जा रहे हो तो वो 12th स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। बाकी जो सारे ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड्स होगा, सेम एडमिशन प्रोसेस है जैसा जम्मू यूनिवर्सिटी का है वैसा इसी का है। इसके भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल मई में हो जाएंगे। सेम जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी दोनों आपस में साथ साथ ही चलेंगी, बस एक एक मंथ वो कहते हैं वीक का इनका फ़र्क होगा, बाकी एक जैसी है दोनों का एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा है। बस एक ही फर्क आ जाता है कि वहाँ वेटेज 25% है, यहाँ वेटेज 30% है, और यहाँ क्लस्टर में बहुत कम कोर्सेज हैं और यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इसके बाद आपकी आ जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सेंटर की अकॉर्डिंगली होती है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस लेती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CUCET, ठीक है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा में भी है, राजस्थान में भी है, और 1-2 यूनिवर्सिटी हो गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इन सभी यूनिवर्सिटी का एक ही कॉमन टेस्ट होता है, ठीक है। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होती है वो एडमिशन जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसी के स्कोर के ऊपर होती है, ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं देखे जाते, ग्रेजुएशन के मिनिमम मार्क्स रखे होते हैं उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा अदरवाइज जो आपके एंट्रेंस में मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगी, ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं काउंट होंगे इसमें, ठीक है। 40% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए ग्रेजुएशन में, जिसकी ग्रेजुएशन पास होगी 40 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। ये तो सिंपल चीज़ है। इसमें कुछ कोर्सेज होते हैं, सभी कोर्सेज नहीं होते, जैसे पीजी में इकोनॉमिक्स आगे लिखो है, बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स में की होनी चाहिए, इतने मार्क्स होने चाहिए। एमटेक है कंप्यूटर साइंस में, इन्वायरमेंटल साइंस है, मैथमेटिक्स है, टूरिज्म है, MBA की जो एडमिशन होंगी, ठीक है। इसके अलावा MA इंग्लिश है, पब्लिक पॉलिसी है, सोशल नेटवर्क है, मास कम्युनिकेशन है, नेशनल सिक्योरिटी है, MEd है इसमें, MA हिंदी है, मेटल साइंस है, MBA है। ये सारी इसके आगे डिटेल्स हैं कि किसमें कितने कितने मार्क्स चाहिए, या मैं आपको लेटर ऑन एक ऐप बनाऊंगा उसमें सारी डिटेल्स लूंगा। अगर इस हैंडबुक को भी डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ जानना है कि किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्स है तो कैसे उसके लिए रेडी रहना। इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसके एंट्रेंस टेस्ट में क्या होता है, 100 मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है, 25 पार्ट के सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो होता है उसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन वही होंगे जो जम्मू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट का, सेम सिलेबस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक एप्टीट्यूड और एनालिटिक स्किल्स, इसके 25 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस होंगे,
और वो तीन सेक्शंस में डिवाइड होंगे, बी सी डी। लेकिन वो जो सेक्शंस होंगी वो उसमें वो क्वेश्चंस आएंगे जिस क्वेश्चंस की आप एमएससी या एमए करना चाहते हो। अगर आप एनवायरनमेंट साइंस की करना चाहते हो तो क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट साइंस के आएंगे। फिजिक्स करना चाहते हो तो फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। मैथ करना चाहते हो तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे। ये सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन आएंगे, तीन पार्ट में डिवाइड होंगे, तो वो आपको वहाँ से सिलेक्ट करके अपने अपने पार्ट वो करने। तो इसमें इसके एंट्रेंस में सिंपल ये चीज़ है कि 25 जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे और 75 जो क्वेश्चन हैं वो जिस सब्जेक्ट की आप करना चाहते हो उसी सब्जेक्ट के आएंगे। लेकिन जैसे अभी बीच में आ जाता है कुछ प्रोग्राम, जैसे MBA या MCA या LLB है, तो अगर वो करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में 100 क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल ही आएंगे। MCA करना चाहते हो तो वो 75 क्वेश्चन कंप्यूटर रिलेटेड नहीं आएंगे, वो नॉर्मल आएंगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस आप देख सकते हो जो क्वेश्चन करने चाहिए। तो वो जब आप फॉर्म फिल करोगे उसमें सारी डिटेल हो जाएंगी, वो मैं लेटर ऑन आपको एक एक चीज ला के दिखाऊंगा, बट आपको सिर्फ आज सिर्फ देखना है क्या 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 होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका भी शुरू। हाँ, इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो फेब में फिल हो जाएंगे, अभी फरवरी में ये फिल हो जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट इसका अप्रैल में हो जाएगा, आपके 6 सेमेस्टर के बिटवीन ही हो जाएगा, 6 सेमेस्टर के एग्जाम के बिटवीन ही इसका हो जाएगा। एडमिशन फॉर्म फिर इसके फिर से जून में जाके निकलेंगे, जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो गया होगा। तो एडमिशन लिस्ट जो और एडमिशन है वो सब जुलाई में आती है, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी का खास ध्यान रखना, क्योंकि इसका एग्जाम जो है आपके 6 सेमेस्टर के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। तो यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके बाद आ जाता है आपका वुमेन कॉलेज परेड। अब वुमेन कॉलेज परेड भी पीजी करवाता है, ठीक है। इसमें जो मेरिट लिस्ट बनती है उस मेरिट लिस्ट में 80% जो है एकेडमिक मेरिट्स होती हैं और 20% जो वेटेज जो एंट्रेंस की होती है। यहाँ पे 80:20 का रेशियो है। ये रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे मार्क्स बनते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा एक वीडियो बना के, बट अभी तो आप एंट्रेंस का सोचो। इसमें थोड़े से कोर्सेस हैं, जैसे इंग्लिश है, होम साइंस है, म्यूजिक, जियोलॉजी और कंप्यूटर साइंस MCA। बस अभी तक तो ये हैं, आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट ईयर से, वो बाद में पता चलेगा जब इनका ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन फिलहाल अभी यही कोर्सेज हैं। इसका जो भी पेपर है वो सेम जम्मू यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जैसा ही है, ठीक है। इसमें भी सेम इंग्लिश 30, जनरल नॉलेज 30, रीजनिंग 30 और मैथमेटिक 30 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग सभी एंट्रेंस में होती है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर आप ये जो चार चीज़ें इंग्लिश जनरल नॉलेज रीजनिंग और मैथ इसकी तैयारी करोगे तो आप तीन यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस दे सकते हो। तीनों की तैयारी एक साथ होगी, जम्मू की भी, क्लस्टर की भी और परेड की भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आज से पढ़ना शुरू करोगे तो सभी यूनिवर्सिटी की तैयारी होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेम अप्रैल में, सेम प्रोसेस है इसका भी जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी का। ये जो फॉर्म्स निकलते हैं ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के एक ही मंथ में निकल जाते हैं, एक ही साथ डेटें चलती हैं। एंट्रेंस जो है वंस एक सैच संडे को एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता है, दूसरे संडे को दूसरी का होता है, तीसरे संडे को तीसरी का होता है, बस इसी तरह से चलता रहता है। आपको टाइम नहीं मिलेगा उस वक्त, मैं इतना बता देता हूँ कि आपको होगी कि मैं पढ़ना शुरू करूँ इस यूनिवर्सिटी का पढ़ना शुरू या उसका करूँ, फिर टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतनी तेज चीज़ें चलती हैं कि आपको सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये परेड का। इसके बाद आ जाती है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो कटरा में, ठीक है। उसकी जो एडमिशन होती है वो एंट्रेंस के अकॉर्डिंगली होती है, ठीक है। उसमें कुछ कोर्सेज हैं जैसे MTech कंप्यूटर साइंस की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, मैन्युफैक्चरिंग की है, इंग्लिश की है, MSc फिजिक्स है, MSc मैथमेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी इंग्लिश है, फिलोसफी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है इनका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है ये सब्जेक्ट बेस्ड होता है। अगर आपने फिजिक्स की करनी है 100 नंबर का एंट्रेंस टेस्ट आएगा, उस 100 में ही फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश का देना है तो इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, फिलासफी देनी है फिलासफी के देंगे, इकोनॉमिक्स देनी है इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो एंट्रेंस होता है ये सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो भी अप्रैल मई में निकलेंगे, जून जुलाई सब कुछ इन्हीं 2-3 महीनों में ही होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए भी रेडी रहो।
इसके बाद एक यूनिवर्सिटी आ जाती है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जो कि राजौरी में है। इसमें कुछ कोर्सेज के लिए एंट्रेंस होता है और कुछ कोर्सेज के लिए आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स ही देखे जाते हैं, ठीक है। एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में जो रेशियो है वो 70-30 है, 30 एंट्रेंस और 70 जो ग्रेजुएशन के मार्क्स के पे, उसमें आ जाते हैं बॉटनी, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एलर्जी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स स्पेशल्स, ठीक है। इनके एंट्रेंस होगी, इन कोर्सेज के लिए एंट्रेंस होगी। लेकिन एमबीए, एमसीए, एमबीए हॉस्पिटैलिटी, एमएससी, आईटी, एमएथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, फिजिक्स, इन के लिए आपके सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स ही देखे जाएंगे। ग्रेजुएशन के मार्क्स वैसे ही देखे जाते हैं कि टोटल ग्रेजुएशन के मार्क्स प्लस जिस सब्जेक्ट में जाना हो उस सब्जेक्ट के मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड करके वो जो मेरिट बनेगा उसी के लागड़ी। इन कोर्सेज का जो है वो एंट्रेंस नहीं होगा। शेड्यूल सेम वैसा ही है, मई जून में फॉर्म, जुलाई में एडमिशन, वैसे सबका शेड्यूल एक जैसा है। इसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिस्टेंस आती है वो भी पीजी करवाती है डिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाते हैं, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। ग्रेजुएशन के मिनिमम मार्क्स रखे होते हैं। इसमें भी थोड़े से कोर्सेज होते हैं, जैसे हमने इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, उर्दू, एम कॉम, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस और एक पीजीडी भी हम, ठीक है। तो इसका भी कोई एंट्रेंस नहीं होता, लेकिन इसमें मार्क्स देखे जाते हैं कि ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी की हुई है देन 9%, अगर नहीं की हुई देन 60% होना चाहिए। इसी तरह से इसको चेक किया जाता है। इकोनॉमिक्स की करना चाहते हो, अगर ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स की है तो फिर चाहे जितने मर्जी परसेंट हो एडमिशन मिल जाएगी, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स नहीं की हुई देन 60% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह से होता है, जो सब्जेक्ट किया है अगर ग्रेजुएशन में वो है तो कोई परसेंटेज नहीं, अगर नहीं किया तो 60% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो जुलाई में निकलते हैं और एडमिशन भी जुलाई अगस्त में हो जाती है, इसका कोई एंट्रेंस नहीं। इसके बाद अलग से आ जाती है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू, ठीक है। इग्नू में भी जो एडमिशन है वो ग्रेजुएशन के मार्क्स पे मिलती है, मिनिमम रखे होते हैं 50% या 55%, जो कि किसी के तो रखे ही नहीं होते इन्होंने। इसके भी जो कुछ कोर्सेज हैं, जैसे मास्टर्स डिग्री के लिए इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पब्लिक, रूरल, सोशियोलॉजी, टूरिज्म, एम कॉम, एम सी, एम प्लस, ठीक है। कुछ डिप्लोमास हैं इनके लिए और कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये सारी डिटेल हैं यहाँ पे। इनका भी, इनकी दो बार एडमिशन्स होती हैं, एक जून में एडमिशन्स होती हैं, इनके दो सेशन चलते हैं इग्नू का, एक जुलाई सेशन होता है, एक जनवरी सेशन होता है, ठीक है। तो इनका सिंपली बस फॉर्म फिल करो और उसी फॉर्म में एडमिशन हो जाती है हर साल, जहाँ जून में एडमिशन्स ओपन होती हैं या दिसंबर में होती हैं। तो ये इग्नू के थ्रू करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये वैलिड होती है, डिग्री बिल्कुल वैलिड होती है। इसके अलावा बात आती है बीएड की। बीएड जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन से होती है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर आती है, और इसका जो टेस्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जेके बीओपी लेता है, ठीक है। इसकी एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस के मार्क्स ही चेक किए जाते हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं चेक किए जाते। हाँ, ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, वो सबके आ जाते हैं, ठीक है। दो साल का कोर्स है। इसका जो सिलेबस है वो भी ऑलमोस्ट जम्मू यूनिवर्सिटी जैसा ही है, 180 क्वेश्चंस होंगे जनरल नॉलेज, जो है जनरल इंग्लिश 55, जनरल मेरा 45, सिर्फ इसमें एक आ जाता है एप्टीट्यूड ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल, इसके 45 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, हर क्वेश्चन का एक होगा, ठीक है। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल में फिल हो जाएंगे, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट है वो जून में होगा, मेरिट जो है वो अगस्त में एडमिशन होंगे। तो आप देख रहे हो कि आपके पास इतनी यूनिवर्सिटीज पढ़ी हुई हैं जो सिर्फ अभी जम्मू रीजन्स में है, जम्मू से बाहर भी हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी कश्मीर में भी हैं, बाहर चले जाओगे पंजाब, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, बहुत जगह। लेकिन मेरी आपको एक ही सजेशंस हैं कि अगर कभी भी हमें पीजी करनी हो तो पहले अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटी को ही चूज़ करो। जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी का एक कोर्स जो है वो 20,000 में हो जाता है, वही कोर्स अगर बाहर यूनिवर्सिटी में करोगे तो 2 लाख से भी ज़्यादा आपका खर्चा आ जाएगा। वो उन बच्चों से पूछना जो बाहर जाके करते हैं कि कितना खर्चा आता है। जम्मू यूनिवर्सिटी में तो ईयर वाइज आपकी एडमिशन होती है, जितने आपने कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन फ़ी दी पीजी की भी उतनी होती है। लेकिन बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ सेमेस्टर वाइज लेते हैं,
और लेते भी 30-30, 40-40 हज़ार से कम नहीं लेते। तो बाहर की यूनिवर्सिटी में बहुत खर्चा है, लेकिन बाहर की यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके आओगे यहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम चलती ही रहती हैं, ठीक है। कभी जॉब लगी वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ जाओ, बहुत परेशानी ही परेशानी है अगर बाहर से यूनिवर्सिटी से लेके आओगे डिग्री। तो कोशिश करो अपने स्टेट के अंदर ही लो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी देखो कितने ऑप्शन हैं आपके पास, कितनी यूनिवर्सिटी खाली जम्मू के अंदर ही है, अभी कश्मीर रीजन है, अभी लद्दाख में क्लस्टर यूनिवर्सिटी आ गई, वहाँ कितने ऑप्शन होंगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि एंट्रेंस है, सभी का एंट्रेंस जो एक जैसा है, सभी में एक जैसा ही सिलेबस है, आपको तैयारी करनी है, बस अवेयर रहना। जैसे जैसे आप तैयारी करते जाओगे सभी एंट्रेंस की तैयारी एक साथ हो जाएगी, सबका एग्ज़ाम एक ही मंथ में हो जाएगा। उस वक्त आप सोचोगे कि अभी मेरा अप्रैल मई में जाके मेरे 6 सेम के एग्ज़ाम खत्म हो गया और मैं जून में जाके एंट्रेंस दूंगा, तो फिर तैयारी कब करोगे, तो एंट्रेंस कब दोगे। यहाँ तो एक दिन एक का एंट्रेंस होगा, दूसरे दिन दूसरे का होगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको आज से तैयार करना होना पड़ेगा। बुक्स कोई भी ले आओ, बस उसमें ये मटेरियल होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको लैबोरेट करके सिलेबस नहीं देगी कि रीजनिंग में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, वो सब में एक ही जैसा होता है, टाइम डिस्टेंस है, ये वो मैं बना दूंगा आपको पूरा सिलेबस की क्या क्या आने वाला है, आपको स्टडी मटेरियल भी दे दूंगा। थोड़े से दिनों में मैं एक ऐप बनाऊंगा, उसमें सारी यूनिवर्सिटी की सारे कोर्सेज की फुली डिटेल दे दूंगा, वो कोई इश्यू नहीं है, मेरे को मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट अभी से आपको माइंड बनाना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। ये जनवरी मंथ ही है आपके लिए, जनवरी फरवरी में आप पढ़ लो, आगे जाके उस टाइम एंट्रेंस के टाइम आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, न्यू नहीं पढ़ सकते। तो अगर आपका ख्वाब ये है कि आप कॉलेज लाइफ से जाके यूनिवर्सिटी की लाइफ में जाना चाहते हो, यूनिवर्सिटी की लाइफ बिल्कुल कॉलेज लाइफ से अलग होती है, उसका अपना ही एक अलग मजा है, लेकिन अगर वहाँ जहाँ वहाँ तक जाना है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फ्री में कोई नहीं लेके जाने वाला, बिना मेहनत के आप कभी नहीं पहुँच सकते। तो इतने ऑप्शन आपके पास पड़े हैं, मैं कहता हूँ इससे भी हज़ारों ज़्यादा ऑप्शन आपके पास पड़े हो, सिर्फ बात एक ही चीज़ पे आ जाएगी, आपकी मेहनत, और आपकी मेहनत के ऊपर ही आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। ओके, थैंक्स।